कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की नैनीताल के नैना देवी मंदिर में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल से आज अपने मायके यानी कुमाऊं की धरती पर पधार गई हैं। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के लिए नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। माँ जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक महिला के अंदर वास करती है, और माँ शब्द जो है उसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। उस माँ के शब्द को अर्थ के समझने के लिए हमने अपने चित्त में पहले सत्य को स्थापित करना पड़ेगा, तब हम उस सत्य रूपी चित्त में उस माँ का वास पाएंगे। मेरे कहने से अगर मैं किसी को इसका बुरा हो जाए तो किसी का बुरा नहीं होगा, मेरे कहने से किसी का भला नहीं होगा, केवल उसके कर्मों से ही उसका भला हो। तो यहाँ पर आज नैना देवी परिसर में माँ नंदा सुनंदा का महोत्सव आज से लेकर के द्वादशी पर्यंत मनाया जाएगा, जिसमें अभी आपके सम्मुख प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया, देवी जी की पूजाएँ चल रही हैं। और यह जो है देवी पूजा जो है, शक्ति की उपासना जो है, ये बहुत कठिन भी है, बहुत सरल है, आग में हाथ डालने के बराबर है। अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो अगर उसमें हाथ चला गया तो उसका अग्नि का स्वभाव है जलाना, उसी प्रकार शक्ति की उपासना भी है। हम बहुत इंतजार करते हैं इस पल का, और सबसे पहले दर्शन होने की हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं नैना माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और मैं साल भर इसका इंतजार करती हूँ इस साल का, कि ये जल्दी नंदा देवी का मेला आए, हम लोग दर्शन करें। सब लोग बहुत उत्साहित हैं इसके लिए, और सब लोग यहाँ 12 बजे से भी पहले से लोग दर्शन करने के लिए खड़े हैं, और सबसे पहले हमारा नंबर अभी आ गया है, हम लोग दर्शन करके जा रहे हैं, और बहुत लंबी लाइन लगी है, अभी पूरे दिन भर यहाँ दर्शन होगा माता रानी का, और इसलिए मैं सबको यहाँ बधाई देना चाहती हूँ। नंदा सुनंदा माता की जय।